जातात, सहज सहज आपणही स्वीकार. राष्ट्रवादी पार्टीची कडनं उभे असणारी एक क्लिप कुकळे साहेबांच्या प्रचारातली नानाभाऊ पटेल यांच्या आवाजात आहे. नानाभाऊ पटेलांनी कारण सांगितली की मी मोदी साहेबांकडे गेलो आणि मोदी साहेबांना माझ्या समाजाच्या ओबीसी समाजाची स्कॉलरशिप बंद केली. ओबीसींची जाती न्याय जनगणना केली पाहिजे, शेतकऱ्यांच्या धानाला भाव मिळाला पाहिजे म्हणून मी त्यांच्या भोवती आपल्या समस्यांना म्हणलं, पण माझ्या समस्या त्यांनी ऐकून घेतल्या नाहीत आणि म्हणून मी त्यांना कायमचा राम राम ठोकला आणि काँग्रेसमध्ये आलो. आपण ऐकलं, एक प्रश्न मलाही पडला की ज्या पक्षामध्ये आधी आमचे नाना भाऊ पटोले होते त्यावेळी त्यांनी कधी ओबीसींची आंदोलन केलं असं कधी आठवत? त्यावेळी कधी जाती न्याय जनगणना झाली पाहिजे म्हणून कधी आंदोलन केलं? कधी शेड्यूल कास्टच्या लोकांवरती झालेल्या अन्यायाच्या विरोधात कधी आंदोलन केलं? बाबासाहेबांच्या लोकांची मतं मागायला मात्र आजही त्यांच्या झेंड्यावरती निळा झेंडा लावलेला आहे आणि ते सांगतात की रिपब्लिकन पार्टीचंही काँग्रेसला समर्थन आहे. म्हणजे काय एवढे आमचे झेंडे स्वस्त झाले असं समजतो नानाभाऊ पटोले? आम्हाला आजही माहिती आहे की ज्या आमच्या रोशन आणि प्रियंकाचे तुकडे नहरांमधून फेकून दिले त्या रोशन प्रियंकाच्या असणाऱ्या कालच्या असणाऱ्या निर्गुण अपराधाबद्दल जघन्य अपराधाबद्दल आम्ही विसरणार नाही. आमच्या समाजाचा असणारा अन्याय आम्ही आमच्या उघड्या डोळ्याने पाहिले, आम्ही आंदोलन केली. खैरलाईजी मध्ये 10 दिवस आम्ही प्रत्येक लोकांना जमा करून तिथे आंदोलन केली आणि आज बाबासाहेबांचा पुळका आला म्हणून मुंबईहून राजकारण खेळणारी माणसं नानाभाऊ पटोलेंना उमेदवारी मिळाली तर आम्ही त्यांच्यासोबत राहण्याची भाषा बोलतात आणि आम्ही बाबासाहेबांच्या रक्ताच्या म्हणून आव्हान करता आमच्या समाजाला. बाबासाहेबांच्या रक्ताच्या आईवर भावनिक आव्हान करता आणि बाबासाहेबांच्या आंदोलनाला या अजूनपर्यंत तुम्ही रस्त्यावर कधी घेऊन आले नाही. आमच्या पोरांच्या स्कॉलरशिप 3 वर्षापासून भेटले नाही. कधी भारीतने आंदोलन केल्याचं आठवत? इंजिनिअरिंग कॉलेजच्या 20% जागा IIT मधल्या कमी झाल्यात कधी आंदोलन केल्याचं आठवत? 13,000 शाळा प्रत्येक क्षेत्रात बंद झाला कधी भारीतने आंदोलन केल्याचं आठवत? आमच्या पोरांच्या नोकऱ्यांचे आरक्षण संपलं कधी बाबासाहेबांच्या नावाचं रक्ताचं नाव घेता कधी आंदोलनाला रस्त्यावर आलात तुम्ही? उलट ज्यांनी आमच्या लचके पाडले, ज्यांनी आमचे मुद्दे पाडले, त्यांनी जर उभे राहिले असते तर त्यांना समर्थन देण्याच्या भाषा बोलता आणि बाबासाहेबांच्या औलादी म्हणता सत आलं. लाज नाही वाटत या लोकांना? आणि कालपर्यंत जी चळवळ चालवणारी लोक होती ज्यांची अवकात पॅन्ट शर्ट घालण्याची नव्हती, बाबासाहेबांचा माणूस म्हणून मिरवणारी माणसं सुरुवातीच्या दिवसापासून 20 गाड्या आणि एका गायकाला घेऊन ते संपूर्ण क्षेत्रांमध्ये फिरत आहेत. कुठून आला हा पैसा यांच्याजवळ? हा पैसा यांच्याकडे आला आमच्या समाजाला विकण्याचा बाजार मांडणारे भरवेगिरी करणारे जे आमच्या समाजाचे दलाल भरवे आहेत यांना जर सावध करत नसाल तर बाबासाहेबांनी समस्त महापुरुष म्हणाले संत गाडगे महाराजांपर्यंत, संत तुकडोजी महाराजांपर्यंत आणि बाबासाहेबांनी म्हटलं की जो समाज अपने हक के इस्तेमाल के लिए राजनीति का इस्तेमाल अगर सही दिमाग से नहीं करता तो अपने बहु बेटी की इज्जत को बचाने के लायक वो कभी समाज नहीं हो सकता, ये हमारे महापुरुष कहते. जो समाज अपना होठ का इस्तेमाल अपने आने वाले पीढ़ियों के हित के लिए अगर इस्तेमाल नहीं करता तो वो समाज संसदीय लोकशाही स्वीकारने के बाद भी गुलाम होगा, ये बाबा साहब ने बार बार हमें कहा. लेकिन हमने नहीं सुना, हम दिखते रहे कभी वोटों पे, कभी नोटों पे, कभी विहार पे,
कभी गिट्टी पे, कभी रेती पे, कभी जिला परिषद पंचायत समिति की दलाली के लिए, कभी हमारे समाज का बाजार हमारे दलाल भरो ने अपने हित में अपने बेटे के चपरासी के लिए इस्तेमाल किया। आज मैं आपको आगाह करने आया हूँ, अगर आप लोग बाबा साहब महात्मा फुले छत्रपति शाहू महाराज के आंदोलन को, जिसे वोट को परावर्तित करके ही हमारे समाज की राजनीति और हमारे समाज के हक मिल सकते हैं, अगर उसको बेचने की ताकत अगर हमारे समाज के दलाल भड़वे करेंगे, तो अगला आंदोलन दलाल भड़वों को पहली बार कुचलने का आंदोलन भी इस समाज का युवा करेंगे। इस बात को ध्यान में रखना। अभी भी होश में आ जाओ। हर क्षेत्र के 14,000 से 15,000 स्कूलें बंद हुई, पब्लिक स्कूल के परवाने आ गए, टाई कोट लगा के तुम्हारा बच्चा जाएगा, ऐसी बात यहाँ का नेता कहता है। और कल जब हमारी स्कूलें जिला परिषद की बंद हो जाएंगी, तो यही पब्लिक स्कूल वाले जब 5,000 रुपए का एक साल का फीस लेंगे सालाना, तो हमारा समाज पढ़ने से वंचित हो जाएगा। इस बात को कौन सोचेगा? कौन सोचेगा इस बात को? ये युवा जो इस देश की वर्तमान सरकार कहती है कि एडमिशन लेते वक्त आपको 7,750 की फीस भरना होगा, और सरकार जब ग्रांट करेगी तो वो सरकार के चाप के खाते में जमा होगी, और फिर आप कैसा आप रिटर्न लोगे? हमारे समाज के अंदर में कितने लोग ऐसे हैं जो 7,750 को इनिशियली फीस भर सकते हैं? कितने लोग हैं हमारे समाज में? आज तुम्हारा बच्चा जब बीएससी फर्स्ट ईयर को एडमिशन लेने जाएगा, इंजीनियरिंग को एडमिशन लेने जाएगा, तो वहां 25,000 भरना है, यहाँ 7,750 भरना है, कौन सा हमारा बहुजन समाज का आदमी भर सकता है? नहीं पड़ेगा, नहीं लेगा एडमिशन। कई गांव देहातों को घूमते हैं हम, हमें हक था ये बात करने का। ये युवा अपने जिंदगी को निछावर करते हुए 14-15 साल से सड़कों पे आंदोलन के लिए घूमता है। ये आपके सामने बोल रहा है, जवान नेगर से लेकर तोंडी तक के, और यहाँ के गांव देहातों में अपने उम्र के 30 साल मैंने लोगों को प्रबोधन के लिए कमाए हैं। आप लोग सारे लोग जानते हो, इसलिए बोलते हैं। राजनीति ऐसे में बैठ कर नहीं करते हम लोग। हम लोग राजनीति अपने हित के लिए नहीं करना चाहते है, समाज के हित के लिए राजनीति होना चाहिए। क्या बातें करते है? कौन सा ऐसा देश है जिस देश के अंदर में पेट्रोल का दाम इंटरनेशनल मार्केट में कम है? हम दलाली करके दूसरे देशों को पेट्रोल देते हैं, तो हमसे कम रेट में देते हो, और हमारे ही देश के लोगों को आप 84 रुपए में बेचते हो। और जब आपने पेट्रोल बेचा, क्या बात किए थे कि इसमें के 2 रुपए काश्तकारों के समस्या के रिलीफ फंड के लिए लिए गए। क्या कहा था कि हा जो शेतकरी है, हा कष्टकरी है, याचे पीक ना पिकी मुळे हा उद्ध्वस्त होता है, त्याच्यासाठी 2 रुपये तुम्ही अतिरिक्त कर पर लिटर वरती लावला, त्याचे जमा 88,000 करोड रुपये जमा झाले। 88,000 करोड जमा करता, सरकारवरचं कर्ज 83 कोटी आहे शेतकऱ्यांवरती, तरीही तुमच्या जवळ 3,000 कोटी असतात, तर तुम्ही शेतकऱ्यांचा 7-12 कोरा करू शकत नाही। कापूस पिकवणारा यवतमाळ जिल्ह्यातला शेतकरी दर दिवशी आत्महत्या करतो, धान पिकवणारा शेतकरी फळी कसली शेती आता पिकवत नाही, आपल्या मुलांना शिकवणं तर दूर, आपल्या पिढ्यांचं संगोपन देखील करत नाही, दोन वेळेच्या भाजी भाकरीची सोय करण्याची त्याची तयारी नाही। ही अवस्था जर आमच्या समाजाच्या लोकांवर येत असेल, माझ्या समोर बसणाऱ्या तमाम बहुजन समाजाच्या लोकांना आग्रहाचा विनंती करतो आला आहे, इलेक्शन आमचा धंदा नाही, निवडणूक आमचा धंदा नाही, निवडणूक हा माध्यम आहे। की जर या देशातल्या लोकांना आपल्या मतांचं मूल्य कळत नसेल, तर या देशातले आमच्या समाजातले लोक दलाल भळवे पुढारी बनून आमच्या समाजाच्या मतांचा बाजार मानतील, आणि पुनश्च 2019 आणि 2025 पर्यंत हा देश विकून या देशातले कारखाने संपून, मोठे उद्योगांची पाट लावून, शाळा बंद करून, शिक्षण बंद करून, पुनश्च या देशामध्ये कधी नवे इतके भयानक गुलामी आणण्याचा प्रयत्न या देशातल्या मोठभर सरकारांचा आहे।
सावध नाही व्हायचं आम्ही, आम्ही असंच बसायचं. आणि ते म्हणायचं राजू भाऊ संजय मगन आपके चिल्लाने से क्या होगा अगर 26 तारीख 27 तारीख को हमारे गाड़ियों में चूड़ा आएगा, 2000 की नोट आएंगे, तुम्हारे बाबा साहब फुले के विचार और वर्तमान के विचार को कोई नहीं सुनेगा, तो नोटा के आधार पर इनको खरीदने की ताकत वो रखते है. मत बेचना अपने बहु बेटियों को, अरे 2000 से परिवार नहीं चलता है, 2000 को 365 से डिवाइड करो, 25 रुपए में आप 25 पैसे में आप अपने बहु बेटियों की इज्जत को बेच रहे, 25 पैसे यही कीमत है हमारी, यही कीमत मनवा तूने लगाई, ढेरों नोटा कमाए, भ्रष्टाचार करे, नीरव मोदी भागे, विजय माल्या भागे, बैंक खत्म हो जाए, जीरो बैलेंस में खाता खुलवाते और काश्तकारों का बैलेंस नील कर देते हो और उसको आत्महत्या तक मजबूर कर देते हो और इलेक्शन में आप लोग 25 पैसे बांटते हो. क्या लेना चाहोगे आप? लेना चाहोगे 2000? हमारा बिहार नहीं बना कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्वाभिमानी आंदोलन के महापुरुष के बच्चे हो आप, रास्ते पे गिड़गिड़ाने के लिए नहीं पैदा हुए हम लोग, किसी के सामने भीख मांगने पैदा नहीं हुए हम लोग. अगर आप इन महापुरुषों के बच्चे हो तो उन्होंने बताया है कि जीते जीते मरना चाहिए, मरते मरते जीने के लिए हम लोग पैदा नहीं हुए. इस बात को भी बहुखूबी से ध्यान में रखो आप. केवल इतने लोग मेहनत करेंगे, आप लोग साथ नहीं देंगे, आप लोग फिर देखते रहेंगे, अरे यार वो अगर अपन वोट नहीं करेंगे ना तो भाजपा आ जाएंगी, इसलिए आप कांग्रेस को वोट करेंगे. गिरा दे दो मूर्ते हमारे समाज के, फिर खैरलांजी होने दो, फिर काश्तकार हमारा ओबीसी का आत्महत्या करने दो, रोते रहोगे, गिड़गिड़ाते रहोगे और गिड़गिड़ा के तुम्हारे रोन पे लेके जाने वाले ये लोग बहुत बेईमान लोग हैं, ये इतने गिरे हुए लोग हैं कि अगर इन लोगों को आपको रास्ते में लाना होगा तो बहुजन समाज के सारे लोगों को मैं वंदन करता हूं, आपका चरण स्पर्श करता हूं, आपको रिक्वेस्ट करता हूं. मैं भी चाहता हूं कि मेरा बच्चा सुकून से रहे, अगर मेरा भी बच्चा सुकून से रहेगा तो तुम्हारा बच्चा सुकून से रहेगा. ना इस घबराहट के माहौल में सवेरे निकला वो बच्चा वापस नहीं आएगा, वो किडनी बेच कर भी वापस आएगा, इस बात को ध्यान में रखना. अगर अपने बच्चों को पैदा करते हो तो बच्चों के हाथ को काम नहीं रहेंगे ना, तो ढेर कचरा जैसी जिंदगी को अपने हाथ में लेगा और वही रहते हो किले के जैसा. इस देश में सब कुछ है, कौन सा ऐसा देश है, कौन सा ऐसा देश है जगह जा पाठीवर जहां देशात इतनी संसाधन है पर मानस गरीब है, कौन सा देश है? चलाने वाले नालायक लोग हैं और एक ही चट्टे बट्टे के लोग हैं. कांग्रेस अलग नहीं, बीजेपी अलग नहीं, कोई पार्टी अलग नहीं, अंबेडकर वादियों की दलाल भरो की पार्टी भी अलग नहीं, इस बात को ध्यान में रखना आप. अलग नहीं है ये, रक्ताचं राजकारण करतात आणि आमचं रक्त पाडतात नालायक कुठले, रक्तांचं म्हणतात आमचं रक्त सांडतं तेव्हा मुंबईचं हलता का तुम्ही? बंद कर दो. मुद्दत के बाद एक नेता मिला, सदियों के बाद मोमेंट को चलते हुए ऐसे हालात में एक नेता मिला जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल का सारे सवालों का चिंतन करने की अपनी ताकत को रखता है. ये नेता है नरेंद्र मोदी, नेता देश का. अरे ये तो अपने घर परिवार को चलाने के लायक नहीं, ये देश को क्या चलाएंगे, ये तो देश को फेल करेंगे, ये चलाने लायक नहीं है, ये फेंकने वाले लोग हैं, ये देश को नहीं चला रहे हैं तो मुट्ठी भर लोगों के परिवार को चलाने वाले लोग हैं. अब यह भांडवलदार नहीं बनेगा, ऊंचे लोग नहीं बनेंगे, हमारे ओबीसी साथी ओबीसी भाइयों की मुर्दे गिरेंगे कल से. नहीं बनता मेरा समाज 7,500, नहीं बनता फिर मेरा समाज. पढ़ना लिखना छोड़ दिया, दो चार लोगों की बिक्री बन जाने से हमारे गांव देहातों में रहने वाले लोगों के जिंदगी में बदलाव नहीं आता है.
बदलाव लाना होगा तो खुद अपने ताकत अपने स्वाभिमान के साथ लाना सीखो। बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखती है, चकाचौन वाली गाड़ियां दिखती है, रथ दिखते हैं या बड़े बड़े रथ लेके निकलते हैं। वही कल बीजेपी में थे हमारे मुर्दे गिरे, आज राष्ट्रवादी में आए हमारे मुर्दे गिराते हैं। नाना भाव अपनी बात को फेंकता है, बोले बाबा साहब के लोग हमारे साथ में है, कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे नट्ठू खैरे लोगों से हमारे साथ। आप नाना जी को बता देना, बीजेपी वालों को बता देना, क्या हमें मूर्ख बनाना बंद कर दो। बहुजन समाज जागरूक हो चुका है, और जिस दिन बहुजन समाज अपने वोट की कीमत को समझेगा, उस वक्त 1954 में हमारे महापुरुष बाबा साहब ने कहा था, खरीदने की भी एक हद होगी, लेकिन जिस दिन मेरा समाज वोट की ताकत को पहचान लेगा, तेरे जैसे लोग मेरे समाज के जूतियों की लेस बांधने के लायक होंगे, ये बाबा साहब ने कहा। आज वो समय आएगा, मेरे समाज को गुमराह नहीं करेंगे आप, मेरे समाज के लोग अब नहीं दिखेंगे, अब नहीं दिखेगा यहाँ का समाज, क्योंकि आंदोलन रुकने वाला नहीं है। ये जो सामने दिखने वाले लोग हैं, कई सालों से पैदल चलते ये युवा दिख रहा है, साथ में चलता है, आप लोग भी थोड़ा सहयोग करो ना, आप लोग भी करो ना। क्यों भी देते हो आप, क्यों माहौल पे अपने ऑटो को देते हो आप? अरे परिवार नहीं चलेगा एक दिन से, थोड़े से पैसों से तुम्हारे परिवार नहीं चलेगा। एक दिन के पीने की सोय होने से आप लोगों का साल भर का शौक नहीं होगा। स्वाभिमानी लोग हो आप, छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हो आप लोगों को अपने हाथ पर अपने स्वाभिमान के वोट को सही तरीके से 28 तारीख को इस्तेमाल करना होगा। मैं ये कह सकता हूं, मैं कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी में नहीं हूं, उम्र के 25 साल से राजनीति में हो, लेकिन बाबा साहब फूले और शाहू के विचारों में हो। आज 60 साल का हूं तो भी फूले शाहू बाबा साहब के विचारों के ही रहेंगे। हम अपने ठीक के हमारी जिंदगी चाहे कैसे हो, लेकिन ये जो नौकरी है, ये जो गाड़ियां है, ये जो जिंदगी है, ये जो आजादी है, ये जो हमारे सामने कल के सूरज को निकलने की ताकत अगर किसकी है, तो डॉक्टर बाबा साहब के संविधान की देन है, और उसके लिए हम जिएंगे मरेंगे, लेकिन गिड़गिड़ाएंगे नहीं, समाज को नहीं बेचेंगे। और समाज को नहीं बेचने वाले लोगों के साथ आप लोग जरा ताकत के साथ 28 तारीख तक रहो, और 28 तारीख के बाद 2019 को आप हमारे साथ में रह लेना। आपको हम बता देंगे कि ये जो गुमराह करने वाले लोग हैं, ये हमारे महापुरुषों के फोटो आज लगा रहे हैं, विचारों को नहीं ले रहे हैं। अब विचार हमारा होगा, राजनीति हमारी होगी, सत्ता हमारा होगा, और विकास भी हमारे बहुजन समाज का होगा, ये वादा करने आपके साथ में आया हूं। ये मत सोचना 28 के लिए मैं बोल रहा हूं, 3 तारीख के बाद में हम सारे महाराष्ट्र में विद्यार्थियों के आंदोलन को लेकर चलेंगे, आएंगे हम आपके पास। ये मत सोचना इलेक्शन के लिए संजय मगर आया है, राजू वो इलेक्शन के लिए नहीं आया है। कल रास्ते पर का चंद्रपुर का आंदोलन का आप टीवी पे भी देख लेना, देखते हो तो माने साहब को भी देखते रहना, ये जो चेहरा दिख रहा है ना, यही आंदोलन के लोग होते हैं, ये देखना सीखो, साथ में चलना सीखो। अरे बाबा फूले शाहू के बच्चे हो आप, भीख मंगो के नहीं है हम लोग, हम स्वाभिमानी महापुरुषों के औलादे हैं। मैं आप लोगों से शुक्र वंदना करता हूँ, आप लोगों से त्योहार वंदन करता हूँ। आप समझने की कोशिश करो, अगर राजनीति में आप इंटरेस्ट नहीं लोगे, राजनीति को अपने जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाओगे, तो तुम्हारी पोकड़े के जैसे हिस्से गिराने के लिए ये मनुवादी ताकतें आपको नहीं छोड़ेंगी। आप राजनीति को आने वाले समय में अपने समाज के विकास का हिस्सा बनाओ, राजनीति ही बना सकती है, खेल मत समझो। इसलिए बाबा साहब ने कहा, मैंने तो केवल आपके आने वाले समय की पूरे रोटी का केवल चौथा हिस्सा दिया हूं, अगर आप
संघर्ष करके अपने पॉवर्टी के तहत अगर आप अपने होंठ का इस्तेमाल सही नहीं करोगे तो पूरी रोटी भी कमाने की बहुत बड़ी आशंका मुझे नजर आती है। ये हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब के शब्द है साथियों। अरे लड़ाई से मत डरो, लड़ने से मत डरो, लड़ने से डरते हैं वो लोग कभी जीते ही नहीं है, और जो जीने के लिए लड़ते हैं वो कभी मरते नहीं है। ये बात अगर हमारे महापुरुष ने समझाई है, आप लोग हमारा साथ देंगे, हमारे साथ चलेंगे, कोई हम बड़े नहीं है, आपके जैसे छोटे लोग हैं, आप और हम एक ही कार्यकर्ता है। हमारा उद्देश्य है कि इस देश का 85% बहुजन समाज, एक स्वतंत्रता किसे कहते हैं, स्वतंत्रता का उपभोग किसे कहते हैं, स्वतंत्रता का देश कैसा होता है, जिंदगी कैसे होती है, ये जिंदगी को जीने के लिए हमने अभी शुरुआत भी नहीं की। चलो आओ साथियों, आने वाला समय 2019-2025 तक हम इस देश के अंदर में आजादी का वो सूरज निकालेंगे और आप लोग हमें सहयोग देंगे। इस उम्मीद के साथ मैं यहाँ पर विराम देता हूँ। तुम्हें मला ऐकलं, दुखावला गेला असेल मनापासून क्षमा करा, पण कोणतंही आपल्या जवळ अल्टरनेटिव्ह नाही। आप लोग सिलेंडर को वोट देंगे आदरणीय राजेश डिबोरकर, जो कई सालों से अंबेडकरी विचारों के कार्यकर्ता रहे, उनका साथ देंगे। और आप लोगों को किसी भी प्रकार की अगर किसी भी प्रकार की तकलीफ हो, आप हमें याद कीजिए। अगर आंदोलन के लोग हैं, हम मरने जीतने के लिए आपके बीच में जरूर आएंगे। आप हमें आवाज दे देना, हम आपको साथ दे देंगे साथियों। इसी उम्मीद के साथ जय भीम, जय शाहू, जय भीम, जय राम।